हम मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को ही थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो अब देखो आप, माइनस 3/5 एस स्क्वायर टी, ठीक है, इंटू 15/7 एस टी स्क्वायर यू इंटू 7/9 एस यू स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका है कि आप देखो, आप सबसे पहले दो दो टर्म, या एक काम कर सकते हो आप, जितने भी टर्म है ना, इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, दो दो टर्म देख रहे थे, तो हम सिंपल वे में क्या करेंगे, -3/5 लिख लिए। सबसे पहले आप साइन को मल्टीप्लाई कर लो, अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक, तो ये आपका साइन हो गया माइनस 3/5 इंटू 15/7, ठीक। फिर क्या आया, एस स्क्वायर एस, तो ये कितना हो गया 3, टी इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया कितना 3, यू और नहीं है तो यू ऐसे ही उतर गया, और इस वाले पार्ट को ऐसे ही आप उतार लो, 7/9 एस यू स्क्वायर। अब फिर से देखो, क्या यहाँ पे कुछ कटेगा, 5 से ये कटेगा 3 बार में, तो अब और कुछ कटेगा नहीं, तो अब क्या हो गया, माइनस 9/7 3 इंटू थ्री, देखो 3 ऊपर हैं और नीचे क्या है, अकेला 7 है, 3 × 3 9/7, तो ये हो गया एस क्यूब टी क्यूब यू इंटू 7/9 एस यू स्क्वायर। अब देखो, अब क्या आएगा, फिर से साइन को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस 9/7 इंटू 7/9 एस 3 है, यहाँ पे, यहाँ पे एस है, एस का पावर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे 1 है, हमेशा याद रखना, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है ऊपर तो मतलब 1 है, तो ये हो गया 3+1 4 टी, ऐसे ही आ गया, यहाँ पे यू का पावर 1 है, यहाँ पे यू का पावर 2 है, तो ये कितना हो गया 3। अब देखो क्या क्या कट रहा है, 7/7 कट जा रहा है, 9/9 कट जा रहा है, मतलब क्या आंसर आ गया, एस 4 टी 3 यू 3, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, एलैबोरेट वे में, थोड़ा सा अब अलग वे का क्वेश्चन करते हैं। जैसे 4a लिखा हुआ है, ठीक है, 3a+7b लिखा हुआ है, ठीक है, अब आप इसको कैसे करोगे, तो हमेशा याद रखना, इसको करने का तरीका है, 4, यहाँ पे 4a है, यहाँ पे 3a, 3a के सामने कोई साइन नहीं है, 4a के सामने कोई साइन नहीं है, मतलब दोनों साइन प्लस हैं, तो हम लोग सिंपली कर लिए प्लस। अब नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से 3 को मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 12, a से a को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, a का पावर 1 है, a का पावर 1, यानी कि 1+1 2, ठीक है। अब इसी 4a से अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो अब क्या होगा, 4a के सामने क्या साइन है, प्लस, 7b के सामने प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस आ गया। अब 4 × 7 होता है 28, a इंटू बी, ये हो गया 28ab, ठीक है, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आपको क्लियर होता जाएगा। 8a² इंटू 2a+5b, ठीक है, सेम उसी ढंग से 8a² को पहले 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन क्या आ गया हमारा, साइन हमारा आ गया 16, a² इंटू a क्यूब,
अब इस 8a स्क्वायर को 5b से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइन है तो प्लस ही रहेगा, 8 इंटू 5 40 ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और इलेबोरेट वे में करते हैं। जब साइन आपके चेंज हो जा रहे हैं तो -17 एक्स स्क्वायर 3x माइनस 4। अब हम इसको कैसे करेंगे? अब इसको करने का तरीका है कि -17 इस पूरे को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो साइन चेंज हो रहा है, माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे कोई साइन है नहीं, मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस। 17 इंटू 3 51, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ये हो गया एक्स क्यूब। अब इससे तो हो गया, अब देखो अब हम इस टर्म को क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो माइनस 17x² माइनस 4। तो सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करते हैं, साइन, माइनस माइनस प्लस, 17 इंटू 4 68x². उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको थोड़ा समझ में आया हो। ठीक है, अब एक और चीज़ देखो, जैसे आपका लिखा हुआ है 2/3 ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3c². इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे क्या नंबर है, 1, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 इंटू 2/3 2/3 ही होगा। और एक चीज़ देखो, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब बी सी, तो पहले वाले का काम हो गया, अब दूसरे वाले पे आते हैं, तो यहाँ पे भी 2/3 ही आएगा, a ऐसे ही उतरेगा, b इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब सी ऐसे ही उतर गया। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या आ जाए, प्लस माइनस माइनस 2/3 इंटू 3 ए बी सी इंटू सी स्क्वायर, तो ए बी तो ऐसे ही उतरेगा, सी क्या हो जाएगा क्यूब, 3 से 3 कट गया, तो इधर क्या आ गया 2/3 ए क्यूब बी सी प्लस 2/3 ए बी